असलम दिस इज़ जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस पर स्टूडेंट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहावलपुर सेंटर के इंटरव्यू जो कि थर्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को कंडक्ट हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं तो आज डिस्कस करते हैं आज के इंटरव्यू के कोशनस जो कि आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू फर्स्ट कैंडिडेट के जो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया वेलकम टू पीपीएससी बेटा एंड देन क्वेश्चन पूछा गया ल नेम्स ऑफ थ्री एसिड्स थ्री एसिड्स के नेम बताएं वेरी सिंपल क्वेश्चन आप बता सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है एस्टिक एसिड है इसके अलावा जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है इस तरह आपने थ्री बेसिस के नाम बताने है. सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है अमोनिया भी बेस है और इसके अलावा जो है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेरी सिंपल थ्री साल्ट के नाम बताने आपने एसिड और बेस के, के कम्बीशन जो साल्ट बनता है उसके नाम बताया सोडियम क्लोराइड है सोडियम सल्फेट है पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम क्लोराइड है बहुत सारे सॉल्ट हैं देन uh, पूछा गया सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछा गया अमाउ फिनोल एंड एस्टिक एसिड विच वन इज द मोर एसटिक मोर एसिडिक है देखें जो एस्टिक एसिड इज द मोर एसिडिक देन द फिनोल द फर्स्ट रीजन इज दैट कि एक तो एस्टिक एसिड की जो पी के ए वैल्यू है वो ऑलमोस्ट को हमारे पास है ये फोर पॉइंट एट के इक्वल है जबकि फिनोल की अगर हम बात करें तो इसकी जो पी के ए वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है जो कि राउंड अबाउट टेन के इक्वल है और जिसकी पी के वैल्यू ग्रेटर होती है वो लेस एसिडिक होता है क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के की वैल्यू वो लेस होती है एक तो ये बात है एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि जब इनकी जब ये प्रोटॉन निकालते हैं तो फिनो ऑक्साइड बनता है फिनोल के केस में फिनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और ये एसीटेट आयन बनता है और एसीटेट आयन के पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं क्या होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लें कि एस्टिक एसीटेट आइन कंटेनिंग द इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं जानी कि जिन पे जो चार्ज होता है डी लोकलाइज चार्ज होता है वो सेम एटम पे रहता है इस तरह एस्टिक एसिड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर रहता है चाहे दूसरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे तो सेम ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा जबकि फिनोल के केस में जिसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है जो चार्ज आता है ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है और जब ये रेजोनेट होता है तो इस तरह जो है ना वो कार्बन के ऊपर भी इसका नेगेटिव चार्ज आता है तो रूल ये है स्टेबलाइजेशन के लिए किल इक्वल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल दैन दी नॉन इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो एस्टिक एसिड इज दी मोर एसिड ये टू मेन रीजनज हैं इसके यही सेम क्वेश्चन जो मैंने इनका आंसर कर दिया प्रूव दैट फिनोल इज वीकली एस्टिक फिनो भाई क्यों वीकली एसड इसकी पी के ए वैल्यू जो होता है वो बहुत ग्रेटर है और इसकी जो के ए वैल्यू वो लेस है एज कंपेयर टू द एस्टिक एसिड सो इट इज़ दी लेस एसडिक दैन द एस्टिक एसिड दैन पूछा गया अमोंग दी एस्टिक एसिड एंड क्लोरो एस्टिक एसिड विच वन इज द मोर एसिड एस्टिक एसिड और क्लोरो एस्टिक एसिड दिस इज दर ऑफ क्लोरो एस्टिक एसिड सी एच टू सी डबल वन ओ एच तो इस केस में जो क्लोरोस्टिक एसिड इज द मोर एसिड मोर एसिडिक देन द एस्टिक एसिड द रीजन इज दैट कि यहाँ क्लोरीन इज द इलेक्ट्रॉन विद ड्रैंग रुप है जो कि एलेक्ट्रॉन विद ड्रैंग ड्यू टू दी माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ करता है जिससे इस प्रोटोन को रिमूवल uh, जो है वो ईजी है एज कम्पेयर टू दी एस्टिक एसिड बिकॉज वहाँ कोई जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं लगा मैंने साइड इफेक्ट नहीं है सो दैट्स वाई क्लोरो एस्टिक एसिड इज मोर एसिड दैन द एस्टिक एसिड इस तरह जितने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम आप बढ़ाते जाएंगे उसका एसिडिक करेक्टर और इंक्रीज करता जाएगा सिंपल रीजन है देन uh, क्वेश्चन पूछा गया कि वट इज़ दी फॉस जीन फॉसजीन क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया फॉस जीन इज दी कलरलेस पॉइजनस गैस होती है जो कि क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से ऑबटेन होती है एंड इट वाज यूज्ड एज द पॉइजन गैस इसको पॉइजन गैस भी कहा जाता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको यूज़ किया गया आ, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इन केस ऑफ फास्टजीन गैस तो इसकी स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है दिस इज दी कार्बोनाइल कार्बोनाइल के सराउंड में टू क्लोरीन एटम्स लगे होते हैं दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ फास्टजीन गैस इस तरह सेम क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दी मस्टर्ड गैट मस्टर्ड गैस क्या होती है मस्टर्ड गैस दिस इज़ आल्सो केमिकल एंड यूज इन दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसको यूज़ किया गया था और ये जो है इसका जो वर्ड मस्टर्ड है दिस इज़ ड्यू टू दी मस्टर्ड लाइक स्मेल सरसों का जो पौधा होता है उसकी स्मेल भी ऐसी होती है जैसे मस्टर्ड गैस की होती है इसी वजह से इसका नेम दिया गया मस्टर्ड गैस का नेम दिया गया दिस इज दी हाई बॉयलिंग लिक्विड भी इसको कहा जाता है और आ, आ, ये जंगू में इसको इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये जब भी किसी बॉडी पर इसको गिराया जाता है तो ये जो है ना वो ब्लिस्टर काज करता है या फोड़े निकल आते हैं तो ये सिंपल है अगर हम मस्टर्ड गैस की फार्मूला की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है सल्फर होता है सेंट्रल आइटम सी एच टू सी एच टू एंड सी एल तो इस सल्फर की वजह से भी इसका जो मस्टर्ड कलर होता है मस्टर्ड uh, टेस्ट होता है सी एच टू सी एच टू सी एल दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस यही सेम क्वेश्चन पूछा गया इट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस इसको क्यों कहा जाता है तो मस्टर्ड गैस इज़ ड्यू टू दी मस्टर्ड लाइक स्मेल सरसों के पौधे की भी ऐसी स्मेल होती है देन क्वेश्चन पूछा गया वाट आर दी प्राइमरी पोलूटेंट्स कौन कौन से होते हैं प्राइमरी पोलूटेंट्स आर दोज प्लोटेंट्स अगर हम इनकी डिफ़ाइन करें कि जो डायरेक्टली जोती हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से इमिट होते हैं उनको प्राइमरी पलूटेंट्स कहा जाता है जो डायरेक्टली इमिट होते हैं प्राइमरी प्रोटेंट्स लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं इसके अलावा जो है ना वो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं दीज आर आल्सो दी प्राइमरी और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राइमरी प्रोटेंट में आ जाती है दैन पूछा गया अमाउ एसो टू एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच वन इज़ दी प्राइमरी प्रोटेंट सल्फर डाइऑक्साइड इज़ दी प्राइमरी प्रोटेंट क्योंकि ये डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल से भी आ जाता है इसके अलावा इंडस्ट्रीज के जो होते हैं उससे भी हमारे इमिट हो रहा होता है डिफरेंट चिमनीज से इस तरह जो प्राइमरी प्लूटेंट्स जब ये रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको स्कैंड्री प्लूटेंट्स कहा जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है देन जाके सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो सो सल्फ्यूरिक एसिड इज दी स्कैंड्री एंड देन क्वेश्चन पूछा गया फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच नॉट विच वन इज नॉट लैबरेट दी कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम दोडियम कार्बोनेट देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द स्ट्रॉगर एसिड एंड दे लाइबरेट दी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट बट फिनोल्स आर द लेस एसिडिक इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट से लाइबरेट कर दें यही सेम रीज़न उन्होंने पूछे है वॉट आर दी फ्यूल सेल्स फ्यूल सेल्स क्या हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूल सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट कन्वर्ट दैमिकल अनर्जी ऑफ फ्यूल इन टू द इलेक्ट्रिकल अनर्जी ये फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल अनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और देन uh, पूछा गया विच फ्यूल इज़ यूज इन द फ्यूल सेल जनली हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल इज़ यूज इन दी हाइड्रोजन फ्यूल इज़ यूज इन द फ्यूल सेल और इसके अलावा और भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप एथनॉल यूज़ कर सकते हैं एंड देन ये डिफरेंट फ्यूल यूज़ कर सकते हैं लाइक अमोनिया भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल

डिस्पर्स uh, फेस में जो होता है वो क्या होता है सस्पेंडेड होता है उनको कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल्स की तो बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर जेलेटन जेलेटन भी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है जेलेटन इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडी वाटर ये भी क्या है कोलाइडल uh, सोल्यूशन है इसके अलावा बटर ये भी कोलाइडल सोल्यूशन में जनरली आ जाता है बटर और इसके अलावा ब्लड भी कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल है और दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ये चेयरमैन की तरफ तो से क्वेश्चन पूछा गया देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए फिनोल पार्शली आर फेयरली सोलबल इन वाटर जनरली जो फिनोल की सोलोबलिटी है वाटर में वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे एट रोम टेम्परेचर फिनोल इज दी स्पेरिंगली सोलोबल जिसको हम पार्शली सोलोबल भी कह सकते हैं और विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर रोम टेम्परेचर पे फिनोल जो है वो पार्शली सोलोबल इन वाटर है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे लाइक सिक्सटी एट पॉइंट डिग्री या 68.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फिनोल की सोलोबलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो फेयरली सोलोबल इन वाटर होता है कंप्लीटली सोलोबल हो जाता है देन क्वेश्चन पूछा गया मिनरल एसिड्स आर सॉलोबल इन वाटर और नॉट यस मिनरल मिनरल एसिड्स आर सॉलोबल इन वाटर वाटर मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है दे आर क्रेसिव एंड कम दे आर क्रेसिव एंड फास्टली सोलबल इन दाटर देन क्वेश्चन पूछा गया अब कॉमन नेम्स ऑफ एसीटाइल सेलीसेलिकसिड का कॉमन नेम क्या है इसको कहा जाता है एसपेरिन कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एसपाइरिन दिस इज दी कॉमन नेम ऑफ एसटाइल सेलिस एसपेरिन कहा जाता है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसकी जो है ना वो आर्थो पोजिशन पे लगा होता है एसिटाइल ग्रुप लगा होता है दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ एस्पेरिन देन क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी टाइट रेंट एंड टाइट रेंट क्या होते हैं देखें टाइट्रेंट और दी रिएजेंट्स विच आर जूस्ड विच आर टेकन इन दी बूरिट और इनकी जो मलेरिटी होती है वो नाउन होती है और इसके अलावा जो टाइट्रेंट्स आर दोज रिएजेंट्स विच आर टेकन इन दी फ्लास्क और इनकी जो मलेरिटी होती है अन नाउन होती है आ, ये बेस्ट जो है ना वो इसकी मेन डिफरेंस है देन पूछा गया व्हाट आर दी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन आइदर इन राइट डायरेक्शन तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं एक तो सिमेट्रिक मालिक्यूल होना चाहिए अन समेेट्रिक मालिक्यूल होना चाहिए इसके अलावा एटलीस्ट उसमें वन केरल सेंटर होना चाहिए और uh, जो है नॉन सुपर इम्पोजबल मिररल इमेज होना चाहिए और उसमें एनी वन ऑल दी जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए देन इट विल बी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स देन क्वेश्चन पूछा गया प्लेन पोलराइज लाइट इज यूज प्लेन पोलराइज लाइट यूज़ क्यों करते हैं देखें जनरली uh, जो हम लाइट यूज़ कर होते हैं ऑर्डिनरी लाइट हम यूज़ करते हैं हैं जिसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में होती हैं और इससे हम जो है ना वो आ, जो कंपाउंड की जो कैरेलिटी है उसको हम जज नहीं कर पाते सो आ, हम उस ऑर्डिनरी लाइट को हम पोलराइजर से पास करते हैं जिससे वो आ, एक ही डायरेक्शन में लाइन बन जाती है जिसको प्लेन पोलराइज लाइट करते हैं और वो जो है फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को रोटेट करवाती है आइदर इन दी लिवो रोटेटरी एंड आइदर इन दी डेक्सटो रोटेटरी देन क्वेश्चन पूछा गया रीजन ऑफ कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर की क्या रीजन होती है बेसिकली द कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू दी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है और इसके अलावा जनरी uh, ये नेचुरली फॉर्म में uh, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं दे आर नॉट कलर्ड कंपाउंड एंड वैन दे रिएक्ट विद दी अदर एलिमेंट्स दैन दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स जनरली नेचुरल फॉर्म में uh, ये कलर्ड नहीं होती लेकिन किसी जब कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही होती है तो वो कलर्ड कंपाउंड शो करती हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल और इसमें डी डी ट्रांजिशन का फिनामिना होता है देन क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट टू डिस्टिंग एल डी हाइड्स एंड कीटोन के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जा सकते हैं यू कैन यूज दू कैन यूज दूस कर सकते हैं और इसके अलावा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं फेलिंग और इसके अलावा जो है सॉल्यूशन भी आप टेस्ट बेनिडिक टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं देन पूछा गया व्हाट आर टॉलेंस टेस्ट क्या है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं और इसमें सिल्वर की जो है वो रिडक्शन होती है देन uh, पूछा गया इज सिल्वर ऑक्सीडाइज आर या रिड्यूस इन टेस्ट देखें सिल्वर इज रिड्यूस इन दोलन टेस्ट देखें जो टोलेंस रियाजेंट uh, है टोलेंस रियाजेंट इज दिडाइजिंग एजेंट ये एल डी हाइड्स को uh, क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है और उसमें से जो सिल्वर होती है वो सिल्वर की क्या होती है रिडक्शन होती है सिल्वर की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है सिल्वर uh, मेटल में uh, इसमें तो इसमें क्या हो रही है सिल्वर की रिडक्शन हो रही है आ, देन आ, ये क्वेश्चन पूछे गए सेकंड कैंडिडेट से जो कि बावलपुर सेंटर पे इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं इन जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ रावलपिंडी सेंटर पे कंडक्ट होने जा रहे हैं तो इनशाला वो आ, आपके साथ कंप्लीट इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा विद डिस्कशन तो इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स अपने कोलीग्स और अपने जानने वालों को ज़रूर इसका लिंक शेयर कीजिएगा तो अपना अच्छा सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़